हेलो ऑल माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आपने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। वेलकम टू अनुपमास वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिसमस केक, जिसको प्लम केक भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माई लवली फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये देखिए, ब्लूबेरी, रेडबेरी और सम क्रैनबेरीज ले लिए मैंने, और थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट है, टूटी फ्रूटी है, येलो रेड, और काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और थोड़े से ड्राइड फ्रूट्स हैं। तो इन सबको हम एक कप हमने लेमन ऑरेंज जूस ले लिया है, और इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम ऑरेंज जूस में सोक करके छोड़ देंगे कम से कम एक घंटे के लिए। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको और इनको ढक के एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सोक होके तैयार हो जाए। और अब हमने ले लिया है एक कप आटा, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 3/4 कप शुगर, 3/4 कप ही वाटर है, 1/4 कप ऑयल है, 1/4 कप मिल्क है, 1/4 कप है मिल्क पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट ले लेंगे हम इसमें। और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी ले लिया गार्निशिंग के लिए, और ये हमारा जूस भी एक घंटे सोक होके रेडी है। तो अब हम अपना सबसे पहले शुगर का कैरेमल स्टार्ट बनाते हैं। और शुगर को हमने एक पैन में डाल लिया है और इसको कैरेमलाइज करना है हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे। और हाँ, ये मेन इंग्रेडिएंट एक रह गया था, वह 1/2 छोटी चम्मच नटमेग और सिनेमन का पाउडर है। तो शुगर हमारी कैरेमलाइज हो रही है, बहुत अच्छे से हमने इसको कैरेमलाइज कर लिया। ये देखिए कितने अच्छे से पिघल गई है हमारी सारी शुगर। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे और बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि पानी डालते ही ये सारा ऊपर की तरफ उछल के आता है। और इस तरह से इसको अब गैस का फ्लेम ऑन करके एक बॉयल आने तक हमें इसे कुक करना है अपने शुगर सिरप को। तो ये हमारा कैरेमलाइज शुगर सिरप रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर तब तक हम अपना केक टिन ग्रीस कर लेते हैं। हमने थोड़ा ऑयल डाल लिया है, इसको बहुत अच्छे से ब्रश से चारों तरफ से कोट कर लेंगे ऑयल से, और उसके बाद इसके अंदर आटा डस्ट करके इसको बहुत अच्छे से रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं, बट आज मैंने इसको आटे से ही डस्ट किया है। एक्स्ट्रा को टैप करके निकाल लेंगे और ये हमारा केक टिन रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अपना बैटर बनाते हैं। सबसे पहले हम ड्राई इन्ग्रीडियंट ले लेंगे। 1 कप आटा ले लिया है और 1/4 कप हमने मिल्क पाउडर लिया है, 1 बड़े चम्मच हमने कोको पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और ये है नटमेग का और सिनेमन का पाउडर 1/2 चम्मच, और आप चाहो तो इसमें लौंग का पाउडर भी डाल सकते हैं। इनका फ्लेवर केक में बहुत अच्छा लगता है। केक में जितने भी इन्ग्रीडियंट यूज़ करते हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। तो सबसे पहले 1/4 कप हमने मिल्क ले लिया, 1/4 कप ही ऑयल है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहीं इसी टाइम इसमें हम वनीला एसेंस डाल लेंगे 1/2 छोटी चम्मच। मेरा स्किप हो गया है आपको दिखाना वीडियो में। तो अब ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट और ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार हैं, इनको आपस में मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और ध्यान रहे एक ही डायरेक्शन में हमें घुमाना है, और क्योंकि एयर को हमें इसमें लाना है तो एक ही डायरेक्शन में हमें स्पैचुला चलाना है। और अब यहाँ कैरमलाइज शुगर सिरप भी हम इसमें मिला लेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से कट एंड फॉल मेथड से भी कर सकते हैं आप, या फिर एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें अपना ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने जूस में मिक्स करके रखे थे, सोक करके रखे थे, वो मिला लेंगे। और बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको मिक्स करेंगे और अपना बैटर रेडी कर लेंगे केक का। तो इस तरह से डालते हुए अच्छे से हमने अपना सारा जूस और ड्राई फ्रूट डाल लिए हैं, और बहुत अच्छे से मिक्स करके हम अपना बैटर रेडी कर लेंगे। और ये हमारा केक का बैटर रेडी हो गया है। लगातार चलाते हुए कट एंड फोल्ड मेथड से हमने अपने बैटर को तैयार कर लिया है। अब इसे हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मैंने 6 से 7 इंच का केक टिन लिया है, इसको हमें पूरा नहीं फिल करना है, हाफ तक ही हमें इसे रखना है क्योंकि ये बाद में बेक होके ऊपर तक आ जाएगा।
इसको टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स बाहर निकल जाएं, और गार्निश कर लेंगे थोड़े से काजू से और थोड़े येलो रेड टूटी फ्रूटी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से क्रैनबेरीज ब्लूबेरीज वगैरह इसके ऊपर भी हम डाल लेंगे, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना गार्निश करके टैप करके तैयार कर लिया टिन, और आधा बैटर हम दूसरे केक टिन में डाल के तैयार कर लेंगे। इधर हमने प्री हीटेड ओवन ले लिया, 10 मिनट प्री हीट कर लिया था, 180 डिग्री पर हमने इसको प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब इसमें हम अपने दोनों केक टिन रख के दोनों रोड ओपन करके 180 डिग्री पर 25-30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। एक बार हमने दोनों टिन अपने ओवन में रख लिए हैं और एक बार देखिए ये बहुत अच्छे से बेक हो रहे हैं और ऑलमोस्ट ऊपर तक आ गए हैं, 25 मिनट्स हो चुके हैं। तो एक बार हम इनको चेक कर लेते हैं कि हमारे केक अच्छे से बेक हो गए हैं कि नहीं। तो मैं एक टूथपिक डाल के देख रही हूँ, ये देखिए अभी थोड़ा सा स्टिक हो रहा है बैटर, तो इसको वापस से हम 5-7 मिनट के लिए बेक करेंगे फिर से, और उसके बाद इसको एक बार हम चेक कर लेंगे नाइफ से या फिर टूथपिक डाल के। तो ये 5-7 मिनट हो चुके हैं, हम अपने केक टिन बाहर निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये एक टिन हमारा बिल्कुल टूथपिक क्लीन आ रही है, और इस तरह से हमने अपने दोनों केक बेक कर लिए हैं। टोटल हमें 30 मिनट लगे हैं इनको बेक करने में, और ये नाइफ़ एकदम क्लीन आ रहा है। अब हम अपने दोनों केक टिन्स को एक टावल से कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए आधा घंटा हो चुका है, अब हम अपने केक टिन को केक टिन से बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से एजिस क्लीन करेंगे पहले हम इसके नाइफ़ से, और इसको टैप करके इस तरह से उल्टा करके निकाल लेंगे। ये देखिए वाओ कितना अच्छा हमारा केक स्पॉन्ज रेडी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और फ्लफी और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा स्पॉन्जी तैयार हुआ है हमारा केक। दूसरे केक टिन को भी हम इसी तरह से एजिस क्लीन करके और टैप करके निकाल लेंगे। वाओ वेरी ब्यूटीफुल सो अमेजिंग केक, और ये हार्ट शेप का भी हमारा प्लम केक रेडी हो गया है। तो इस तरह से मेरे दोनों प्लम केक, इनको क्रिसमस केक बोलते हैं, ड्राई फ्रूट केक, ये दोनों रेडी हैं। और ये देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ कितना ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। कट करके भी मैं एक बार दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा केक हमारा बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए इसमें इतने ड्राई फ्रूट हैं कि हर बाइट में आपके ड्राई फ्रूट्स आएंगे और खाने में आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपना क्रिसमस केक प्लम केक बनाया है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लवली सब्सक्राइबर एंड लवली फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।